10 निर्दलीय सांसद भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। निर्दलीय सांसदों ने अमित शाह से संपर्क भी किया है। सभी 10 निर्दलीय सांसदों ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर होने नहीं देंगे, देश को किसी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। बीजेपी वालों को अब मन छोटा करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। 10 सांसदों का समर्थन तो वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी को मिल गया है और इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 302 हो गया है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाए तो अब जेडीयू और टीडीपी दोनों चली जाती है, फिर भी एनडीए के पास बहुमत से 2 सीटें अधिक होगी। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सरकार चलेगी या नहीं। सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और बड़े फैसले भी होंगे। जिस दल को वो फैसला पसंद नहीं आएगा उसे कह दिया जाएगा कि वो संसद में वोटिंग में हिस्सा न ले। चीजें ऐसे भी चलती है ठीक इसी तरह। कुछ नीतिगत बिल पर इंडी गठबंधन में शामिल किसी दल से भी डील हो सकती है और वो दल भी एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए आराम से भाजपा को समर्थन करेंगे। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा कि हमारे लिए केवल मोदी जी मतलब रखते हैं, हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर देंगे तब भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हम मोदी जी के लिए बड़े से बड़ा ऑफर भी ठुकरा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों पर बात करते हुए कहा कि नंबर गेम तो चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पीएम ने सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमारी सरकार ने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी कैबिनेट सदस्यों का आभार जताते हुए विपक्ष के इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि जीत हमारी हुई है, बहुमत एनडीए को मिला है और उछल इंडी गठबंधन वाले रहे हैं। मोदी बोले, इंडी गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर जितनी सीटें जीती है, अकेले बीजेपी ने उससे ज्यादा सीटों को अपने नाम किया है। इससे पहले कल बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है। यह एक अभूतपूर्व पल है। इस लिहाज से आने वाले 5 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मोदी बोले, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे जड़ से खत्म करना है। पीएम मोदी ने कहा कि अगली सरकार में भी युवाओं को रोजगार देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देगी। इसके अतिरिक्त देश में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा। मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का काम अगले 5 साल में किया जाएगा ताकि विकसित भारत का विजन पूरा हो सके। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।